काम भावना पर विजय प्राप्त करना क्यों जरूरी है और इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, आज की वीडियो में बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। काम वासना की भावना पर काबू पाना आज के समय में एक जरूरत बन चुकी है। इंटरनेट पर मिलने वाली आज़ादी से कोई भी गंदे साइट्स, गंदे वीडियोस एंड स्टोरीज पढ़ और देख कर खुद को इसका आदी बना लेता है। शुरू शुरू में ये चस्के जैसा लगता है, जो बाद में लत बन जाता है। इसके चक्कर में हम अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, फिर चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो या फिर खुद का विकास ही क्यों न हो, हमारी जिंदगी में सब कुछ रुक सा जाता है। इसका नशा युवा पीढ़ी को ही नहीं, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को लगा हुआ है। ऐसे में मन को नियंत्रित कैसे करें और इसे पवित्र बनाए रखने के उपाय, जिनसे इंद्रियों को वश में कर हम काम वासना पर विजय प्राप्त कर सके, विचारों पर नियंत्रण और मन को शांत करने के उपाय, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा हटके और सोचने वाला है, क्योंकि युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है काम वासना की भावना पर काबू पाना। हम कॉलेज और स्कूल की लाइफ में कभी न कभी इस प्रॉब्लम से रूबरू होते ही है। देखो दोस्तों, संगत अच्छी हो तो मन को पवित्र बनाए रखती है, लेकिन गलत हो तो पतन का कारण भी बन जाती है। आज हम जानने वाले हैं गंदे स्टोरीज पढ़ने से क्या होता है, इसे हमारे दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है। आज हम जहां भी नजर डालते हैं, न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया, फिर चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर टीवी और रेडियो, हमें रेप से जुड़ी न्यूज पढ़ने को मिल ही जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यौन शोषण एक मानसिक विकृति का दूसरा पहलू बन चुका है? महीनों मात्र छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण क्या ये साबित नहीं करता कि आज इंसान की मानसिक स्थिति विकृत हो चुकी है? आज के जमाने में काम वासना की भावना पर काबू पाना इसलिए बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि लोगों ने इसे समझने में गलती की है। आप भावनाओं को दबा नहीं सकते हैं, इससे वो विकृत होने लगती है, और जब ये हद से ज्यादा विकृत हो जाती है, तब इंसान अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तरीकों की बजाय अप्राकृतिक गलत तरीकों को अपनाता है, जो उसके अहम की पुष्टि करते हो। अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि काम वासना की भावना को काबू नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे दूसरी भावना में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी वजह है कि भावना एक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में रहती है, और जब तक इसे प्रयोग न कर लिया जाए, ये खत्म नहीं होती है। काम भावना और काम वासना दोनों में सिर्फ समझने का फर्क है। काम भावना आपके अंदर बनी ऊर्जा का एक रूप है, जबकि काम वासना किसी के प्रति शारीरिक आसक्ति। काली चक्र यानी मूलाधार में हमारी काम भावना क्रोध की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब इस चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, तब हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति, विवेक के नष्ट हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे कई उपाय हैं जो काम वासना की भावना पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मूलाधार चक्र सिर्फ काम भाव को ही पैदा करता है या फिर इसका प्रभाव सिर्फ हिंसक है। इसकी ऊर्जा का संतुलन आपको ऊर्जावान भी बनाए रख सकता है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा को हम दबा नहीं सकते हैं, तो फिर इसका प्रयोग कैसे करें? अगर आपके मन में उठने वाला अगला प्रश्न है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में मूलाधार चक्र की ऊर्जा हमें संतुलन की स्थिति में बनाए रखती है। इसकी ऊर्जा को दिशा देकर हम बाकी सभी चक्र को आसानी से जागृत कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे मान लो सात अलग अलग बर्तन है और सभी में एक अवरोध है जो पानी के बहाव को रोकने के काम आता है। सबसे पहले बर्तन में पानी डालना शुरू करें तो जब तक वो भरता है सब सही है, लेकिन अगर हम उसमें ही उस पानी को भरते रहे, आगे के बर्तन का अवरोध न हटाएं, तो क्या होगा? आज के समय में काम वासना की भावना पर काबू पाना शायद बेहद मुश्किल लगता हो, लेकिन आप चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पानी बाहर निकलेगा या फिर बर्तन में दबाव बनाएगा, इसके बजाय पहले बर्तन में पानी भरते ही दूसरे बर्तन का अवरोध हटा दे तो पानी आगे बढ़ने लगेगा और सभी बर्तन में समान जल भरेगा। यही स्थिति चक्र की है। मूलाधार चक्र में हम प्रचंड ऊर्जा का निर्माण कर तो सकते हैं, लेकिन अगर उसे दूसरे चक्र में चेंज न किया जाए तो विकृति के प्रभाव आने लगते हैं। इसके हम पर पड़ने वाले अलग अलग साइड इफेक्ट क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल व्यक्ति जो अंदर से कुंठित यानी फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं,
खाली वक्त में दोस्तों के साथ घूमने फिरने एंजॉय करने की बजाय पोर्न वेबसाइट देखते रहते हैं, फिर चाहे वो उनका बेडरूम हो या ऑफिस, इसी तरह हम इसके आदि बनते चले जाते हैं, ये जाने बगैर कि इसके हम पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसके अलग अलग बुरे परिणाम के बारे में। शरीर का कमजोर होने लगना जिसमें चेहरे की रौनक खो जाना शामिल है। हर वक्त शरीर में एक कंपन और किसी को भी देखते ही मन में विचार उठाना जिसकी वजह से आप पब्लिक प्लेस में शर्मिंदा भी हो सकते हैं। हर वक्त सुस्ती और किसी काम में मन ना लग पाना। काम वासना की भावना के दुष्प्रभाव। काम वासना की भावना पर काबू पाना बेहद आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानना। अलग अलग स्तर पर इसे समझने की कोशिश की जाए तो तीन स्तर पर हम इसके साइड इफेक्ट को समझ सकते हैं। शारीरिक काम वासना को दबाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि जब तक इसे सही दिशा नहीं मिलेगी इससे छुटकारा पाना असंभव है। मानसिक काम वासना की भावना पर काबू पाना आपके लिए अति आवश्यक तब बन जाता है जब आप इसके मानसिक दुष्प्रभाव के शिकार बन जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ मानसिक दुष्प्रभाव के बारे में जो देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग जो काम भावना पर नियंत्रण नहीं बना पाते हैं, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके शुक्र का पतन, जो आपके तेज के लिए जिम्मेदार होता है। बड़े बड़े महात्मा ब्रह्मचार्य पर जोर देते हैं, जिसकी वजह है इसके द्वारा आपके अंदर तेज और ऊर्जा का बनना। इसलिए अगर आप गलत भावनाओं के शिकार होकर शुक्र यानी वीर यह को संतुलित नहीं रख पाते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। काम वासना पर हम कई तरीकों से विजय पा सकते हैं। दरअसल काम वासना की भावना पर काबू पाना उसे दबा देना नहीं है, बल्कि उसे एक दिशा देना है। हम अपने विचारों में बदलाव कर अपनी आदतों को बदल कर इसे किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। काम वासना एक ऊर्जा है जो हम पर इस कदर हावी हो जाती है कि कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। इसलिए आपको अलग अलग स्तर पर इसे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि शारीरिक स्तर पर काम वासना की भावना पर काबू पाना। इसके लिए आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें, जैसे कि अकेले रहने को कम से कम कर दे, क्योंकि अगर आप कामुक प्रवृत्ति के हैं तो अकेले में आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मानसिक स्तर पर काम वासना की भावना पर काबू पाना कई सारे ऐसे उपाय है जो हमें मानसिक स्तर पर मजबूत बनाते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना। अगर आपको इसकी आदत नहीं है और सर में दर्द महसूस होने लगता है तो इससे बचे और ध्यान जैसे माध्यम अपनाएं जो आपके दिमाग और विचारों में नियंत्रण और बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर इसे कैसे संभव बनाएं, सिंपल है, सप्ताह में कुछ दिन मंदिर जाएं। हर धर्म के लोग सप्ताह में एक बार अपने धार्मिक स्थल में एकत्रित होते हैं, जिससे उनका आपस में मजबूत संबंध बनता है। इसके साथ ही ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है। इसके अलावा पूजा पाठ करें, भजन सुने, जो कि YouTube पर काफी सारे हैं, इन्हें सुनना आपके लिए अच्छा रहता है। इसे एक स्टोरी से समझते हैं, लाइफ का एक किस्सा और सबक। अगर किसी को कुछ सिखाना है तो दूसरों का नहीं खुद का उदाहरण दो। यही वजह है कि मैं अपनी लाइफ के हर उस किस्से को शेयर करता हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं बचपन से ही घर से अलग रहा हूँ और दोस्तों की संगत में मुझे भी इसका चस्का लगा था, क्योंकि शनिवार की रात को हॉस्टल में इलीगल तरीके से इसकी सप्लाई होती थी। ये उस समय की बात है जब मैं नाटक कर रहा था और सम्मोहन सीख रहा था। उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस बेहद बढ़ गया था और न सिर्फ व्यक्तित्व बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी मैं अव्वल था। एक लड़की मुझे पसंद थी और मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था। कुछ दिन की मेहनत के बाद वो लड़की मुझसे खुद बोलने लगी और दोस्त बन गई थी, लेकिन जल्दी ही वो मेरे प्रभाव से छूट गई। उसके बाद मुझे गिल्टी फील होने की वजह से मैं इसे दोबारा प्रयोग नहीं कर पाया। आज भी जब हम अपने आसपास दिन भर किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, तो काम भाव जागना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इसे लेकर अलग सोच बना चुके होते हैं। इससे बचने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं अपनाता हूँ। अगर आपको भी अपनी काम वासना की भावना पर काबू पाना है तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं। सबसे पहले अपने आप को शांत करो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, पॉजिटिव चीजें पढ़ो, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, जिससे कि आपका माइंडसेट बदले, आपका खुद के प्रति विचार बदले, आप खुद को आगे बढ़ता देखो। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप जिंदगी में यही बेकार की काम करने आए हैं या
फिर कुछ अच्छा कर्म करने, अच्छा इंसान बनने और खासकर अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करना सीखो, अपने समय की कदर करना सीखो, क्योंकि इंसान अपने खाली समय में ही बेकार के काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।